हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बिगनर मेकअप किट शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने वाली हूँ हर चीज़ में, प्राइमर से लेकर, काजल से लेकर, लिपस्टिक से लेकर, कॉम्पैक्ट से लेकर, कंसीलर से लेकर, सभी के आपको एक अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। 3 से 4 ऑप्शंस मैं आपको दूंगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और ये बिगनर मेकअप किट जो है, ये अफोर्डेबल मेकअप किट भी हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कम बजट में अपनी बिगनर्स मेकअप किट बना सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। अभी मैंने कैटेगराइज किया है बिगनर्स मेकअप किट को एक अलग अलग तरीके से कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्राइमर से लेकर लिपस्टिक्स तक और मेकअप रिमूवर्स तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें मैं क्या यूज़ करती हूँ मेकअप प्राइमर के लिए और क्या क्या चीज़ें मुझे एज अ बिगनर अच्छी लगती हैं। तो मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दूंगी। अगर आप प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये ओरिफ्लेम का फेस प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मेकअप को बहुत ही लंबे समय तक स्टे रखता है। ये अराउंड 10 से 12 घंटे तक आपके मेकअप को स्टे रखेगा। और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो भी आप इस मेकअप प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मेकअप प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैक्टोकैलामाइन को भी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। और इसके अलावा हमें सनस्क्रीन भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए आफ्टर प्राइमर। तो मैं यहाँ पर सनस्क्रीन की जगह सनस्क्रीन लेती हूँ लोटस का। ये मैट जेल सनस्क्रीन जो है, इसमें SPF 50 होता है। मुझे ये फेस प्राइमर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और ये बहुत ज़्यादा आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी रखता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेकअप बेस की। अगर आप डेली रूटीन के लिए मेकअप यूज़ कर रहे हैं और एज ए बिगनर यूज़ कर रहे हैं, आप हैवी फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप इन बीबी क्रीम और सीसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है गार्नियर की बीबी क्रीम है। ये डार्क ब्रॉन्जी स्किन या फिर वार्म स्किन टोन वाले जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। इसमें एक ही शेड आता है और ये ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके बाद है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आती है। और अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं या आपकी कुछ डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें कवर करना है, तो आप ये कलर करेक्टिंग यानी कि सीसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी 2 शेड आते हैं, जो लाइटर स्किन टोन वाले हैं उनके लिए बीच है और जो थोड़ा सा डार्क अंडरटोन वाले हैं उनके लिए ब्रॉन्ज है। और अगर आप जो है इनके अलावा कोई चाहते हैं और ज़्यादा डार्क स्किन टोन वाले हैं तो आप ग्लैम अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब बेस की बात कर लेते हैं। मुझे ये लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ईजली काम कर जाता है, बहुत ईजली ब्लेंड हो जाता है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लगा सकते हैं। ये आपको एयर फिनिश देता है, बहुत ही ईजली मैट फिनिश देगा आपको और बहुत ईजली ब्लेंड हो जाता है। इसको थोड़ा जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाता है आपके स्किन के ऊपर। और ये भी बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब एप्लीकेशन के लिए आप इस तरीके के स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको स्पॉन्ज को थोड़ा सा गीला करना पड़ता है। ये बहुत ही सस्ते स्पॉन्ज आ जाते हैं, ये देखिए आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। लोकल मार्केट में मुझे ये 80 रुपये के 4 स्पॉन्ज मिले और बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पॉन्ज हैं। और बिगनिंग में आपको किसी भी ज़्यादा ब्रशेस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पाउडर ब्रश लीजिए, इसी से आप हाइलाइटर लगा सकते हैं, कॉन्टोर कर सकते हैं, पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, लूज़ पाउडर अप्लाई कर सकते हैं और हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था मेकअप करना तो तब मैंने ये मेकअप ब्रश का इस्तेमाल किया था, सिर्फ पाउडर मेकअप ब्रश। मैं अफोर्डेबल कंसीलर का भी बता देती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन में नहीं है, डेली रूटीन में मेकअप करना चाहते हैं, तो आप ओलिविया का ये पैन स्टिक को एज ए कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए गो टू प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑफिस गोइंग है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बीबी क्रीम नहीं अप्लाई करना चाहते, थोड़ा हैवी कवरेज चाहते हैं, तो आप इसे ओलिविया की पैन स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ड्राई स्किन टोन वाले हैं। और अगर आप
ऑयली स्किन टाइप वाले हैं तो आप ये ब्लू हेवन की पैन स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही 100 रुपये के आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता आपको। आप दोनों को ये एज ए कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे शेड्स हैं इसमें, आप बहुत ही आसानी से अपना शेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप लोकल मार्केट से ख़रीदेंगे तो हार्डली 100 या 120 रुपये में आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्डेबल कंसीलर चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये एवोन का कंसीलर ले सकते हैं। नाइका पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है सेम, और बहुत ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है ये, बहुत अच्छा कवरेज देता है और बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। इसके बाद अगर आप इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहते, आप डेली रूटीन में कहीं जाते हैं या आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना है, हल्का सा मेकअप करना चाहती हैं, तो आप ओलिविया का पैनकेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरप्रूफ है, एक वेट स्पॉन्ज से आप इसे अप्लाई कीजिए। ना आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत है, ना उसे सेट करने की ज़रूरत है। जस्ट एक वेट स्पॉन्ज लीजिए और इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। आपके बहुत सारे स्टेप्स जो है ये छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि मुझे कौन कौन से कॉम्पैक्ट पसंद हैं। हमने ये सब चीज़ें कॉम्पैक्ट देख लिया, हमने सॉरी फाउंडेशन देख लिया, ये भी कंसीलर भी देख लिया, अब उसे सेट भी तो करना है। उसे सेट करने के लिए मैं जो पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ वो है ये लैक्मे का, जो नॉर्मल 100 या 120 रुपये में आता है, ये कॉम्पैक्ट है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत आसानी से सेट भी हो जाता है। और इसके अलावा ये मेबलिन का, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मेबलिन सुपर फ्रेश, बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी ताम झाम नहीं करना चाहते तो आप ये मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लगाइए, बस मॉइस्चराइज़ कीजिए, प्राइमर लगाइए, मॉइस्चराइज़ कीजिए, सनस्क्रीन लगाइए और जस्ट इस कॉम्पैक्ट को लगा दीजिए और आप गुड टू गो है। बस लगा कर छोड़ दीजिए अगर आपका फेस क्लीन है या हल्के फुल्के डार्क स्पॉट्स हैं तो। नहीं, ये दो कॉम्पैक्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं काजल्स की। काजल्स में मेरे पास थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि एलेटीन हो गया और ये हो गया लैक्मे का, ये हो गया मेडलिन का क्लोसल काजल, फेसेस का काजल, और ये है मेरे पास ब्लू हेवन का काजल। और ये सभी काजल्स मुझे पसंद हैं। ये टॉप 3 काजल्स के ऊपर भी मैंने रिव्यू किया था, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं काजल, और इनमें से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये फेसेस का काजल है। और इसके अलावा अगर आप अपनी आंखों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें MN की भी बहुत सारी पेंसिल्स आती हैं, जो आपको अगर आप आई शेडो लगाना हर रोज़ पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे एज ए आई शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए आई लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए। MN के भी इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्टे भी रहता है, एज ए लिक्विड आई लाइनर का भी काम करता है। और मस्कारा के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला ब्लू हेवन का मस्कारा, ये वाटरप्रूफ भी है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। इसके अलावा आप लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हैं और मेबलिन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला पर्सनली बहुत पसंद है और अफोर्डेबल है, 125 रुपये में आ जाता है, 125 या 225 रुपए में आता है। उसके बाद आपको अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है और मेरे पास उसके लिए भंपार है, जैसे कि मेरे पास है ये कैंडी वाओ बेबी लिप्स का, मेबलिन का बेबी लिप्स है मेरे पास, निविया का स्ट्रॉबेरी शाइन है, VLCC का है, पीच शाइन है, ये सारे बहुत अच्छे हैं और बजट में भी आ जाते हैं, अराउंड 200 के अंडर ये सारे आपको लिप बाम मिल जाएंगे, मतलब पर लिप बाम 200 रुपये। और इसके अलावा अगर आप हल्का फुल्का डेली हाउसवाइफ हैं और आप सिर्फ लिप बाम अप्लाई करना चाहती हैं और कोई भी लिपस्टिक लगाना ज़्यादा आपको पसंद नहीं है तो आप ये ब्राइट आउट लाउड लगा सकती हैं, इस पे भी हल्का सा हिंट ऑफ कलर है। और अगर आप 6 से 7 घंटे तक किसी लिपस्टिक को चाहती हैं कि खाने पीने के बाद भी आपकी लिपस्टिक स्टे रहे, तो ये हिलेरी राडो का लिप बाम है, कुछ 200 रुपये के अराउंड आता है। ये आपको किसी भी लोकल स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम स्टोर पर तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करते हैं आईलाइनर्स की, तो अगर आप पेन आईलाइनर लेना चाहते हैं तो आप
पेन आईलाइनर में मुझे ब्लू हेवन का, पर्सनली ब्लू हेवन का पेन आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। नहीं तो लिक्विड आईलाइनर में ये L18 के आईलाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो ब्रिसल्स हैं बहुत ज़्यादा इजी है और बिगिनर्स के लिए इस पे काम करना बहुत ज़्यादा आसान है और ये सस्ते भी बहुत है, 99 रुपीज़ में आ जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लिपस्टिक्स पर, जो कि मैंने कैटेगराइज की हैं डिफरेंट डिफरेंट में। अगर आपको ग्लॉस चाहिए तो आप ये मेबलिन का ग्लॉस देख सकते हैं, 350 या 450 रुपये में ये आता है। इसमें भी बहुत सारे शेड हैं, मेरे पास ये ऑरेंज शेड है। उसके बाद ये अगर आप बिल्कुल ही अफोर्डेबल में जाना चाहते हैं तो ये MN के लिप ग्लॉस हैं, अराउंड 50 रुपीज़ में आ जाते हैं। और इसके बाद ये एवॉन के लिप ग्लोज हैं, ये आपने मेरी टीनेजर मेकअप लुक वाली वीडियो में देखे ही होंगे। तो ये लिप ग्लोज भी अराउंड 120 या 130 रुपए में पर लिप ग्लोज आ जाता है। उसके बाद ये न्यूड शेड है, ये है MN की लिपस्टिक। ये कुछ 350 या 450 रुपए की 6 लिपस्टिक्स आई थी, बहुत ही अच्छी हैं। ये वाली लिपस्टिक्स बहुत पसंद आई मुझे, किस प्रूफ की MN की लिपस्टिक्स हैं। और ये न्यूड शेड तो आपने मेरा बहुत बार देखा हुआ है और ये वाला न्यूड शेड भी आपने देखा हुआ है कि मुझ पर कैसा लगता है। ये मैंने अपना एक मेकअप लुक किया था उसमें मैंने डाला था, वो वाला मेकअप लुक मैं ऊपर आई बटन में डालूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी लुक देता है ये। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये मेकअप लुक मेरा इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा, संडे मेकअप लुक करके मैंने वीडियो किया था। और ये है मेरी ADS की न्यूड लिपस्टिक, ये मुझे बहुत फेवरेट है। ये भी मैंने अमेज़ोन से कुछ 6 का पैक मंगवाया था अमेज़ोन। ये जो ADS की लिपस्टिक हैं ये तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके बाद ये वाले पिंक न्यूड शेड्स हैं, ये भी ADS के हैं दोनों। और इसके अलावा ये भी ADS का शेड है। और ये वाली है L18 की कलर पॉप, हाँ कलर पॉप मैट लिपस्टिक्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर जो है ना सच में माइंड ब्लोइंग है, ये देखिए ये कलर है इसका। इसके अलावा मेरी एक और लिपस्टिक है वो मुझे मिल नहीं रही है, वो है मेकअप रेवोल्यूशन की, वो भी अराउंड 450 रुपये में आती है। और ये और वो लिपस्टिक बिल्कुल सेम है, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं है दोनों में। इसके अलावा आप ये मेकअप रेवलॉन की है ये कलर स्टे लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छी है। इसका शेड 05 है। और इसके अलावा ये ADS की लिपस्टिक है, ऑरेंज शेड में है। ये शेड भी मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में वेयर करती हूँ। इसके बाद हमें चाहिए एक मिरर, छोटा सा मिरर हमें चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं आई शेडो पैलेट की, या फिर आप ब्लशेज़ और हाइलाइटर की, बिना हमारा मेकअप जो है वो अधूरा है। तो ब्लश के लिए तो मैं ये शिमर ब्रिक यूज़ करती हूँ, 350 रुपये में आता है और आपको 5 शेड मिल जाते हैं इसमें। इसमें ये वाला पैलेट का जो नंबर है वो मैं आपको देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसकी यह फ़ायदा है कि इसमें हर शेड मिल जाता है, ब्राउन, सिल्वर, गोल्डन। अगर आपको पिंक भी चाहिए तो पिंक में भी सभी शेड्स मिल जाएंगे। अगर आपको ब्राउन्स चाहिए, सिर्फ ब्राउन्स चाहिए, तो उसमें भी काफ़ी सारे ब्राउन्स अलग अलग तरह में मिल जाएंगे। गोल्डन में चाहिए तो अलग अलग कलर के गोल्डन शेड्स मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मैंने बहुत ढूंढ के निकाला था और इसका शेड मैं बता दूंगी, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसे एज ए ब्लश यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका शेड मैं आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने यही सिवाना का जो है ब्लश लिया हुआ है। एक ब्रिक मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, ये दूसरी ब्रिक है। इसमें मुझे पिंक शेड बहुत पसंद है तो मैं ज़्यादातर पिंक लेती हूँ। और इसका शेड शायद 05 है आई गेस, हाँ ये देखिए 05 है इसका शेड, मुझे ये बहुत पसंद है। और इसमें आप एज ए हाईलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाइट कलर वाला, और यहाँ से ये पिंक वाला भी एज ए हाइलाइटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आई शेडो पैलेट्स की। मेरे पास ये 3 आई शेडो पैलेट हैं, इवन 4 है इनफैक्ट, लेकिन एक जो कैमलिन का है वो वाला मेरा पुराना हो गया था, तो इसलिए मैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। अगर आप कुछ अफोर्डेबल आई शेडोज़ देखना चाहते हैं तो आप ये ADS का देख सकते हैं, जिसमें आपको ब्लश भी मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट भी मिल जाएगा और आई शेडो भी मिल जाएंगे। थोड़े से शिमरी होते हैं, चंकी ग्लिटर्स नहीं है इसमें, बस हल्का हल्का सा ग्लिटर है इसमें। आपको
हाइलाइटर भी मिल रहा है, ये देखिए ये हाइलाइटर मिल रहा है, ये आपको दो कॉम्पैक्ट मिल रहे हैं, दो ब्लश भी मिल रहे हैं। मुझे बहुत पसंद आया पैलेट, और इसके साथ आपको स्पॉन्ज और लिपस्टिक्स के चार शेड भी मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा पैलेट है ये। अगर आप अफोर्डेबल में देख रहे हैं, लोकल मार्केट से 250-350 रुपये में, 250 से लेकर 350 रुपये में आपको मिल जाएगा, और अमेज़ोन से कुछ अराउंड 350 में है शायद ये पैलेट, तो अच्छा पैलेट है। कलर भी बहुत पिगमेंटेड हैं इसके, अच्छे शेड हैं, बहुत अच्छी शेप में भी हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हार्ट शेप है इसमें। और इसके अलावा मेरे पास ये सिवाना का न्यूड पैलेट है, जो आपने मोस्टली मेरी मेकअप ट्यूटोरियल वाली वीडियोस में देखा होगा। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये डिब्बे विब्बे फेंकना पसंद नहीं है, तो मैं इसे हमेशा ऐसे ही नए जैसा पैक करके रखती हूँ। इसमें आपको सभी शेड्स मिल जाएंगे जो नाइट टाइम पार्टीज़ के लिए होते हैं, तो ये शेड्स मुझे बहुत पसंद हैं, ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक बम्पर चीज़ है ये, जो मुझे बहुत अच्छे डील में मिला है। अगर आपने मेरा अमेज़ोन हॉल देखा होगा तो ये वाला पैलेट मुझे मिला था कुछ अराउंड 350 रुपये में, बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा था। और ये इस तरीके का है और एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन वालों, मेकअप रेवोल्यूशन वालों ने ही इसे लॉन्च किया था। ये रहे इसके शेड्स, बहुत अच्छा आपको इसमें जो है मिरर मिल जाता है, और बहुत अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, वाओ जस्ट बहुत ब्यूटीफुल कलर्स हैं इसमें, और ग्लिटर्स भी हैं और मैट भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पैलेट। अमेज़ोन पे आप जो है देखते रहिए, डील्स वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती हैं, कई बार बहुत ही सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मैं कई बार कमेंट्स में बस सोचा करती थी, जब पढ़ा करती थी कि ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपये में, सीरियसली 100 रुपये में, और अब जब मुझे ये सीरियसली मिला तो मैं जस्ट पागल हो गई थी। मैंने साथ के साथ इसे ऑर्डर कर दिया था, मुझे बहुत पसंद आया था पैलेट। तो ये था मेरा छोटा सा मेकअप हॉल, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं बिगनर्स मेकअप किट में आप क्या क्या रख सकते हैं, तो ऑप्शंस भी मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं बेसिकली। तो इन शॉर्ट ये मेरा मेकअप हॉल भी आप इसे बोल सकते हैं, मिनी मेकअप हॉल, और आप इसे बिगनर्स मेकअप किट भी बोल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या ख़रीदना है। कुछ एक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इनके अलावा अगर आपको मेकअप रिमूवर चाहिए, तो उसके लिए आप वेट वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिमालय की, जॉनसन्स बेबी की, किसी की भी, और या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे फेसबुक के अकाउंट का लिंक जो है वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का आईडी है lovely_u12। फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।